अभी आपको बताएं कि मुसलसल बारिशों से दरियाए सिंध बिफर गया है। ऊंचे दर्जे के सैलाब के बायस सैकड़ों घर ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, जबकि दर्जनों देहात और फसलें डूब गई। बारिशों के बाद सैलाब से तबाहकारियां जारी। दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे के सैलाब के बायस कच्चे के इलाके मुकम्मल डूब गए। रोहड़ी और पन्नू आकल के माबैन 40 से ज्यादा गोट जेरे आब आने से उनका जमीनी राबता मुनकता है और लखन गोट, जागिरानी गोट, मुबीन शेख, अजीज जतोई और दिगर गोटों के रहने वाले बेघर हो गए हैं, जबकि इंतजामे की जानब से रेस्क्यू न करने पर मुतासरीन फंस गए हैं। दादू मोरू पुल के मुकाम पर दरियाए सिंध की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मूज और रेला कच्चे के इलाके में दाखिल हो गया है, जिसके बायस गुल मोहम्मद कुरेजो, छट्टू मस्तोई, नबन जतोई समेत 25 देहात और तैयार फसलें पानी की नजर हो गई हैं। गद्दू बैराज पर पानी का बहाव 5.5 लाख क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। महकमा नहर के मुताबिक पंजाब से पानी का बड़ा रैला गुड्डू बैराज की जाने बढ़ रहा है। आइंदा 24 घंटे में गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान है।